और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी जरूर शेयर करूंगी, जो कि मैं बताना चाहती हूँ क्या उन्होंने वो पुराना टीवी लिया था। इन लोगों में कंपटीशन छिड़ गया है ये चार यूट्यूबर में। तो मैंने पहले बताया ननू के पास तो दो कंटेंट हैं वीडियो बनाने के लिए, और पुतन के पास भी दो कंटेंट हैं। क्या तुमने मामा के लड़के की वीडियो देखने शुरू कर दी? किसके यहाँ पे? बर्थडे पर। किसके बर्थडे पे? नन्नू के, जिसमें रह गए हैं कुछ घंटे। देखते हैं अभी इनका जो डिनर का प्लान है उसमें कौन कौन इनवाइट होता है। अभी तो मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ, ज़्यादा वो मत करो, क्योंकि अगर दीदू आ गई ना यहाँ पर पहाड़ों की जूठी, तो बेटा जी तुम्हारी तो फिर वीडियो आनी भी बंद हो जाती है। वेलकम टू माई चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो चाय वाय पी के सब लोग हो गए हो तैयार सुनने के लिए मेरी अभी की सेकंड वीडियो? जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से वो भी देखे, ये भी देखे, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने फिर दो वीडियो बनाना जरूरी समझा। वीडियो बनाना जरूरी इसलिए भी समझा कि खिचड़ी ना पक जाए, ऐसा ही होता है ना तकरीबन। तो चलिए करते हैं शुरुआत। किसके ऊपर? आप लोगों को पता है ना आज मैंने कम्युनिटी पर क्या शेयर किया, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ पर ये वाली बात कि इन कुड़ी ने, जानी कि पहाड़ों की जूठी ने, जो आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना वेट लूज कैसे करते हैं, वेट रिड्यूस जैसा भी किया उन्होंने, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं वेट रिड्यूस तो उनका नज़र आया, लेकिन जो उन्होंने आप लोगों को बताया कैसे, वो थोड़ा सा मुझे गलत लगा। वो मेरे को गलत इसलिए लगा कि जैसा कि मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला कि मैं FLP के साथ जुड़ी हुई हूँ काफ़ी अरसे से, तो उसमें जो है वेट मैनेजमेंट हम लोग देते हैं। तो कल के देखो वीडियो में किसी ने भी ये कमेंट, उनके साथ भी काम करते हो, तो चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं वेट मैनेजमेंट के बारे में बताती हूँ कि उसमें हम लोग प्रोटीन के साथ साथ एलोवेरा भी देते हैं, एलोवेरा के साथ साथ हम लोग डाइट चार्ट भी उन लोगों को देते हैं साथ में, जो वो लीन होती है ना, लीन आप लोग सर्च कर सकते हो अमेजोन पे भी, तो अमेजोन पे भी, और मतलब आप लोगों को पता लग जाएगा कि लीन भी देते हैं, प्रोटीन भी देते हैं, एलोवेरा जेल भी देते हैं, और उनको डाइट चार्ट के साथ साथ प्रॉपर समझाते भी हैं, जैसा कि मैं आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जो लोग अभी इस टाइम पर वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि कानपुर में, लखनऊ में, अलग अलग जगह पे उनके ऑफिस भी हैं FLP के, आप विजिट भी कर सकते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को जो टीम होती है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा सकेगी। वो मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इन कुड़ी का जो है वो मुझे थोड़ा इसलिए गलत लगा कि देखिए आप एक यूट्यूबर हो, कुछ लोग आपको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, अगर आप उनको बता रहे हो कि चने खाने से, ग्रीन टी पीने से ही आप पतले हो जाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, और भूखा रहने से, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो थायराइड की, डायबिटीज़ की, और भी कई मेडिसिन ऐसे होती हैं कि आपको खाली पेट लेनी है, तो ऐसे किसी को BP की भी प्रॉब्लम है तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कि अगर आपको वेट मैनेजमेंट लेना भी है तो उससे पहले आप क्या करो, अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो। जैसा कि जिम में आप लोगों ने देखा कि ट्रेनर भी होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं वो भी रेकमेंड करते हैं आप प्रोटीन का और एप्पल विनेगर का, ऐसे करके ना काफ़ी वो भी आप लोगों को बताते हैं कि ये सब चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि भगवान ना करे अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, अगर ऐसे हम लोग यूट्यूब से देख देख के सब कुछ करने लगे ना, तो फिर कल को हमारी ही बॉडी को नुकसान भी हो सकता है। और भूखे रहने से कोई पतला नहीं होता, ऐसा हमारे फॉर एवर में, जब मैं किसी को वेट मैनेजमेंट देती थी तो उसमें मैं ये चीज़ें जरूर, जब भी मैंने किसी को वेट मैनेजमेंट दिया है, जैसा कि हमारी टीम ने हम लोगों को बताया, हमारी कंपनी ने हम लोगों को समझाया, वैसे मैंने आगे काफ़ी लोगों को अभी तक वेट मैनेजमेंट का कोर्स करवा चुकी हूँ और उन लोगों को बहुत फायदा। आप लोग चाहते हो अपना वेट रिड्यूस करना, तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, और किसी को भी ऐसे यूट्यूब से ही आप बिल्कुल भी फॉलो मत करें, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, कहती हूँ ना, तो जी हाँ ये वही चीज़ है कि आप लोगों को फॉलो करनी है। चीज़ के इफ़ेक्ट भी होते हैं, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप लोग वेट लूज़ करने में लगते हो, वेट मैनेजमेंट लेते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों में थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आता है, अनिद्रा की भी परेशानी हो जाती है, ऐसा मैं ही नहीं बताती हूँ, ये हमारी कंपनी ने जब हम लोगों को ट्रेनिंग दी थी
उस चीज़ में भी। और ये मैं खुद का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को बताती हूँ, अगर वाकई में ही आप अपना वेट लूज करना चाहते हो तो आप लोगों को चाहिए कि भूखा तो बिल्कुल नहीं। और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी जरूर शेयर करूँगी जो कि मेरा खुद का ही लिखा हुआ है, लेकिन मुझे था कि मैंने दो वीडियो बनाई हैं अभी, तो ये सब डिटेल में बताने से अच्छा है कि आप लोग बोर हो जाओगे, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट ही लगा देती हूँ उस चीज़ का कि आप देखना कि ये इन कुड़ी ने ये सब लगाया है, लेकिन इसने अब की कल की वीडियो में बिल्कुल भी नहीं दिखाया मशीन पर इसका वेट कितना है। ठीक है, वो प्लीज़ आप दिखा देना अपनी वीडियो में। चलिए, अभी जो मैंने कम्युनिटी पर शेयर किया था, आज मैंने कम्युनिटी पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा भी शेयर किया है, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें भी की हैं। तो जी हाँ, उसी के ऊपर आते हैं कि टीवी कौन लेगा, टीवी कौन लेगा। सब लोगों ने बहुत सारे आंसर भी दिए हैं मुझे कमेंट के थ्रू कि जी हाँ, ननू जो कहता है वो तो कर ही देता है। तो मैंने उसमें बोला है ननू वस्कर, तो मैंने उसमें ये भी चीज़ बोली है कम्युनिटी में, मैंने शेयर करा मॉर्निंग में, ननू तो ले ही लेगा टीवी, क्योंकि ननू ने तो ये बात पहले ही बोली थी। तो इन कुड़ी का ये कहना था पहाड़ों की झूठी का कि ये हमेशा मेरी रेस करते हैं, जैसा कि कार को लेके, कार भी चलाएंगे, मेरे कपड़ों को लेके, मेरी हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को ये लोग बहुत कॉपी करते हैं, यानी कि रेस करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो रेस हो रही है वो कौन कर रहा है, जहाँ पर रेस कर रही है इन कुड़ी, जी हाँ यहाँ पर वो रेस कर रही है, लेकिन द बॉस ने उसको मना कर दिया हुआ है। आप लोगों को पता, उसने एक अपनी बचपन की कहानी भी आप लोगों के साथ शेयर की है, यानी कि हम लोगों के साथ शेयर की है कि कैसे उसकी डीजे मी जो है वो सर के ऊपर टीवी रख के लेके आई थी। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, क्या उन्होंने वो पुराना टीवी लिया था? क्योंकि सबको पता है, जब पहले के टाइम पे भी, आज के टाइम पे भी, जब हम किसी शॉप से खरीदते हैं टीवी फ्रिज कुछ भी हो, तो वो कंपनी जो है वो आपके घर तक पहुंचाती है। आप लोगों को पता है, बिल्कुल पता होगा, हमारे तो अभी लेटेस्ट अभी अभी फ्रिज भी आया है, तो भी कंपनी ने घर पे ही बेचा, लेकिन जो भाड़ा रहता है ना वो हम पे कर देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी ने कहा कि वो थोड़े पैसे बचा लूँ सर पे रख के ले चलूँ? हालांकि पहले टाइम के जो टीवी है वो बहुत भारी होते थे, और जब के टाइम की ये बात करें तो उस टाइम पे कलर टीवी जो है बहुत कम होते थे और ब्लैक एंड वाइट टीवी ज़्यादा होते थे उस टाइम पे, जबकि ये बात कर रही हैं। चलिए, जो भी है वो इनके साथ है, इन्होंने जो बताया वो हमने सुना, लेकिन अब तो जो इन लोगों में कंपटीशन छिड़ गया है ये चार यूट्यूबर में। तो मैंने पहले बताया ननू के पास तो दो कंटेंट हैं वीडियो बनाने के लिए, और पुतन के पास भी दो कंटेंट हैं। आप लोगों को पता है उसके घर में ही तीन लोग हैं एक तरह से यूट्यूबर, जैसे कि पुत्र ने बताया कि वो तो अपने बेटे का भी खोलना चाह रही थी चैनल, लेकिन उसने खोला नहीं। तो चलिए, हो सकता है कि खोल भी लिया हो, जल्दी आप लोगों को वो भी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पुत्र, क्या तुमने मामा के लड़के की वीडियो देखने शुरू कर दी? मामा के लड़के ने जो अपने जीजा को कोलाज बना के पिक्स का दिया था, वैसे तुमने आज दिया कि एनिवर्सरी तो कब की चली गई, अभी बना के दिया तुमने उसकी वीडियो देख के। तो ऐसे में बताना चाह रही हूँ कि डीजे मी को और बत्ती को भी इनवाइट कर लेना, किसके यहाँ पे? बर्थडे पर। किसके बर्थडे पे? नन्नू के, जिसमें रह गए हैं कुछ घंटे। दो दिन पहले भी तो कुछ घंटे रह जाते हैं, अब यहाँ पे तारीख जो है वो नहीं मैं बताने वाली, समझ लो कुछ घंटे रह गए। देखते हैं अभी इनका जो डिनर का प्लान है उसमें कौन कौन इन्वाइट होता है। तो फिलहाल जो हम लोग देख रहे हैं माहौल जो है वो अभी तो चेंज होना शुरू हुआ है, अभी तो इनकी वीडियो आएंगी, अच्छी आएंगी, लेकिन नन्नू अभी तो मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ, ज़्यादा वो मत करो, क्योंकि अगर दीदू आ गई ना यहाँ पर पहाड़ों की झूठी, तो बेटा जी तुम्हारी तो फिर वीडियो आनी भी बंद हो जाती है, और पुतन भी चली जाती, तुम्हारे कंटेंट चले जाएंगे, इसलिए संभल के चलो, हो सके तो सेकेंड नंबर आ जाना, फर्स्ट मत आना। पर मुझे पता है कि तुम ही फर्स्ट आने वाले हो, मुझे इसलिए पता है क्योंकि सरदार ने कर दिया है कि मना, कि टीवी जो है वो वेस्ट ऑफ मनी है। आजकल हमारे पास में लैपटॉप है, फ़ोन है, सब है, तो हम लोग इसी में टीवी बना के देख लेंगे सब कुछ। तो वो भी समझ गई कि हाँ मुझे बिग बॉस ही तो देखना है। अरे नई नई कंटेंट जो दिमाग में स्कीम्स आ रही थी ना, वो यहीं से तो आ रही थी, कहाँ से? बिग बॉस से। तो अभी देखते हैं कि जो बत्ती है वो अपने जीजा को क्या सरप्राइज देता है, और जो सेना है, क्या सेना ने इनका बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, और इन लोगों ने बिल्कुल भी सेना को लेना बंद कर दिया है अपनी वीडियोस में? क्या वो जिद कर रही है कि हम लोगों को भी अपना चैनल खोलना है? क्यों अभी मौसी के लड़के ने भी आना बंद कर दिया है इनकी वीडियो में? क्यों
क्योंकि वो सब लोग नॉर्मल फैमिली हैं, अपने लोगों में बिजी हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसे ही हमारी बीवियां भी करें, है ना, इस वजह से। अभी लेकिन जो इनकी रिश्तेदारी है वो इनसे थोड़ा पीछे क्यों हो गई है, ये अकेले अकेले से क्यों रह गए हैं, क्योंकि साथ ही में तो नेबर, मैंने कल भी बोला कि इनके ताया जी हैं, उन्होंने दीवार खड़ी कर ली है जहां से, जिनके घर से इनको दूध भी आया करता था, और ताया जी भी बहुत नजर आते थे इनके घर गोलगप्पे खाते हुए। लेकिन खैर, कुतन के रहते हुए अभी ताई जी तो आई थी एक बार इनको आशीर्वाद देने के लिए, तो इन्होंने थोड़ा सा ताई जी को ले भी लिया था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब इनके रिश्तेदार चाहते हैं कि हम YouTube चैनल खोल लें अपना, तो इन लोगों को जो सबको ये बताते थे कि नहीं, अर्निंग वर्निंग कुछ नहीं होती, हमने तो कुछ नहीं, बस ऐसे चैनल बना लिया, लेकिन फाइनली 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 पहाड़ों की जूठी ने सबको क्लियर करके बता दिया कि हम लोगों को अर्निंग होती है। तो क्या उसी अर्निंग से तुम्हें टीवी लेना था? अगर लेना था तो पूछना क्यों था मोटू से, तो ले लेती ना, आके उसको तोरी के साथ चावल खिला देती। तो प्लीज मैं बताना चाहती हूँ, जो डाइट है ना ये वाली बिल्कुल मत फॉलो करना, लेकिन अपने डॉक्टर के साथ पहले कंसल्ट करना, फिर जिम ट्रेनर से बात करना, उसके बाद आप जो है डाइट लूज का जो भी है प्लान लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है मेरी यहीं तक, मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं जो बातें करती हूँ ना, और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ ये वाली, कि कल मेरे को ना एक कमेंट आया, तो जैसे मैंने उस कमेंट को हार्ट दिया वो डिलीट हो गया। उस कमेंट में किसका था मेरे को नाम भी नहीं याद, लेकिन उन्होंने लिखा था कि आपने कमेंट क्यों डिलीट कर दिए, कि मैं उसको रिप्लाई दे रही थी कि आप सपोर्ट करते हो। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी अभी वाली ये वाली वीडियो आप देखो तो मुझे बताना आप किससे बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, क्योंकि कमेंट मैंने डिलीट बिल्कुल नहीं किया। अगर फर्स्ट कमेंट किसी और का था जब वो मेरे लिए कुछ बोल रहा था, और आगे से आप रिप्लाई दे रहे थे, और अगर उसने अपना कमेंट डिलीट किया होगा तो जाहिर सी बात है आपके कमेंट साथ ही में डिलीट हो जाएंगे। तो ये कमेंट जो है अभी फिलहाल के लिए YouTube की ओर से ही कुछ ऐसी परेशानी चल रही है या कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ अच्छे कमेंट भी हम लोगों के पास नहीं आ रहे। उसके ऊपर लिखा आ जाता है दिस कमेंट इज नॉट लॉन्गर अवेलेबल, ये लिख के आता है। तो ये YT की ओर से, हम लोग जो हैं अपनी ओर से कोई कमेंट रिमूव नहीं करते। अगर मुझे कोई ऐसे लगता है कि हाँ ये कमेंट है ऐसा वैसा, कि अगर कोई पढ़े तो अच्छी बात नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली भी मेरी वीडियो देखती हैं, तो उसको रिमूव करने से पहले मैं रिप्लाई देना जरूर पसंद करती हूँ, रिप्लाई दे के फिर कमेंट रिमूव करती हूँ, तो ऐसे रिमूव मैं नहीं करती कमेंट। तो चलिए आज की मेरी वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।